हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन सासाराम जंक्शन के बारे में जानेंगे। सासाराम जंक्शन का स्टेशन कोड है SSM। सासाराम जंक्शन पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म हैं और 12 ट्रैक्स हैं, यानी 12 पटरियां हैं जिनको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है। सासाराम जंक्शन को ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करती है, जिसका डिवीज़न पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। सासाराम जंक्शन पर कैटरिंग यानी खान पान, वायर चार्जिंग सॉकेट, वाईफाई, वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, इंक्वायरी काउंटर, वाटर, टॉयलेट, ट्रांसपोर्ट एंड ऑटो रिक्शा पार्किंग की फैसिलिटी है। सासाराम जंक्शन से अलग अलग रेलवे लाइन जाती हैं, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, पटना मुगल सराय सेक्शन, गया मुगल सराय सेक्शन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, सासाराम आरा लाइन। इतनी रेलवे लाइन होने की वजह से यह रेलवे स्टेशन बहुत ही व्यस्त है। सासाराम जंक्शन को समुद्र तल से 107 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। सासाराम जंक्शन से डेली 30,000 से ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं। सासाराम जंक्शन पर टोटल 87 ट्रेनों का स्टॉपेज है, यानी 87 ट्रेनें आती हैं, रुकती हैं और फिर रवाना हो जाती हैं। सासाराम जंक्शन से 4 ट्रेनें स्टार्ट होकर अलग अलग शहरों के लिए रवाना होती हैं और 4 ही ट्रेनें यहाँ आकर समाप्त हो जाती हैं। सासाराम जंक्शन से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मोकर हॉल्ट है, जो कि मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप लोग बिहार के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।